तो दोस्तों आज हमारे साथ जो है ये हमारे कुछ नए डीलर्स हैं, कुछ इनमें पुराने डीलर्स भी हैं। तो हम एक आपस में सेशन चल रहा है हमारा बातचीत का। तो अभी हमारे बहुत सारे डीलरों का एक क्वेश्चन था, भाई जो सोलर एसी है सर आपका, वो कितना कंजप्शन करता है। तो दोस्तों हम अभी इन सब लोगों के साथ में चेक करके भी दिखाएंगे आपको कितना कंजप्शन है। और यहाँ जो एसी लगा हुआ है ये 1x मॉडल है। 1x मतलब इक्वल टू 1.5 टन। और ये रूम साइज आप देख रहे होंगे, ये रूम साइज जो है 15x15 का है, लगभग 15x15 का, थोड़ा बड़ा साइज है। और छत की हाइट भी, लेंटर की हाइट भी यहाँ तकरीबन 15 फुट थी, पर बीच में आप फोर सीलिंग लगा दी है तो लगभग 12 फुट के आसपास में फोर सीलिंग लगी हुई है। तो अभी थोड़ा सा मैं स्मॉल परिचय भी कराऊँ, ये दिल्ली से हमारे डीलर हैं, क्या नाम है जरा बताएं हमारे दर्शकों को। देशराज जी, ये अमरोहा से हैं हमारे साथी जी। अमीर अली, अपनी शॉप का नाम भी बता दीजिए। सज्जाद कमर्शियल एंटरप्राइज। ये हमारे रेवाड़ी से हैं, जयप्रकाश जी रेवाड़ी से हैं। रोहतक से हैं हमारे भाई दीपांशु जी, थोड़ा सा अपना परिचय भी दीजिए हमारे दर्शकों को। उपेश कुमार उत्तराखंड से। उत्तराखंड से है और देवनगरी से। और ये हमारे कुशवाहा जी हैं, इंजीनियर हैं, एक बार बोलिए कुशवाहा जी। अमित कुशवाहा प्रॉप कुशीनगर से। और आप भैया अपना नाम बताइए। विक्की सैनी मुरादाबाद से। मुरादाबाद से सैनी साहब हैं। सचिन सैनी मुरादाबाद। सचिन सैनी जी मुरादाबाद से हैं, यूपी मुरादाबाद। दिल्ली से दीपक। दिल्ली से है दीपक जी। जी के सकबर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से है अग्रवाल जी। और आप सर? सर सुरेंद्र दिल्ली नजफ़। सुरेंद्र जी दिल्ली से। देखिए दोस्तों अभी हम एसी लगा रखे हैं और ये हमारे आकाश जी हैं जो हमारे टेक्नीशियन हैं। और आपको बराबर में लिया है इन्होंने एक बोल्ट मीटर, एक बार दिखाइए जरा, मैं दर्शकों को दिखा दूं। तो ये नॉर्मली बोल्ट मीटर होता है, बोल्ट और एम्पियर मीटर। और ये डीसी है, डीसी बोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर, एसी डीसी दोनों को काम करने वाला मीटर है। तो इसमें अभी हमने जो लगा दिया है ये इसको बोल्ट पे लगा देंगे। एक बार बोल्ट पे लगा के जरा कैमरामैन से कहेंगे जरा पास से दिखाएं, दर्शक भी कुछ देखेंगे। और एक बार बोल्ट चेक करा देते हैं। इस एसी को हम जो चला रहे हैं वो बिजली से चला रहे हैं, ग्रिड से चला रहे हैं, मतलब इन्वर्टर से हम ग्रिड से चला रहे हैं। और ये सोलर एसी है नेक्सस का, आप देख रहे हैं 230 वोल्ट आ रहे हैं, 232 वोल्ट आ रहे हैं डिस्प्ले पे, आपको दिख रहा होगा। और अभी एक बार एम्पियर का लोड भी दिखाते हैं। कमरे की कूलिंग भी जबरदस्त है और कमरे के अंदर आप देख रहे हैं गैदरिंग भी 12 से 13 लोग हम अंदर हैं कमरे के अंदर। तो एक बार दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को, दिखाइए जरा एम्पियर मीटर से एम्पियर और दिखा दीजिए। तो अभी जो आपका कंजप्शन देख रहे हैं मैक्सिमम कंजप्शन पर चल रहा है, 24 पे एसी चल रहा है, लगभग 3 एम्पियर के आसपास का अभी लोड चल रहा है। अब जैसे ही ये कमरा थोड़ा कूल होता चला जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन होता चला जाएगा, कुछ देर बाद भी हम एक बार वीडियो में दिखाएंगे आपको, तो इसका जो है कंजप्शन वो लगभग लगभग आपका 2 एम्पियर 1.5 एम्पियर के आसपास तक आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो एसी है इसे आप बिजली से चलाते हैं या सोलर से चलाते हैं तो इसका कंजप्शन बहुत कम होने वाला है। मतलब ये मान सकते हैं कि जैसे कूलर का या नॉर्मली 2 पंखे आप चलाते हैं उस कंजप्शन में आप एसी चला सकते हैं। तो वीडियो में आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, हम कुछ जानकारी और देंगे आज आपको इन्वर्टर के बारे में, लिथियम बैटरी के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, अपनी पूरी टीम के साथ आज हम डिटेल में बात करेंगे। ये ट्रेनिंग का कुछ सेशन चल रहा है, हम डीलरों के साथ में कुछ ट्रेनिंग करा रहे हैं बेसिक पॉइंटों की। तो पहले आपको दिखा दूँ, ये देखिए दोस्तों हमारा जो पूरी फैक्ट्री का लोड है, भाई हम सोलर की कंपनी है तो सोलर से हमें काम पहले अपना करना चाहिए जब बाद में लोगों को बेचें। तो ये देख रहे हैं ये इन्वर्टर जो है ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर है और इस पूरी इंडस्ट्री का जो लोड है वो इस इन्वर्टर से चल रहा है। और ये 3-4 साल पुराना मॉडल है हमारा, हाइब्रिड इन्वर्टर है और इस पर पूरा लोड चलता हुआ है, पूरी इंडस्ट्री का लोड चल रहा हुआ है इससे। ये 240 वोल्ट में है और ऊपर छत पर 50 किलोवाट पैनल लगा हुआ है। तो पहले तो हम अपने आप यूज़ कर रहे हैं, बाद में आप लोगों को भेज रहे हैं, तो वो चीज़ भी मैं दिखा दूँ क्योंकि आप लोगों को भाई नॉलेज में होना चाहिए क्या क्या कैसे कैसे होता है। ये इंडो सीरीज के इन्वर्टर है हमारा, 15 KVA है ये, 15 KVA है, इसको आप पैरेलली जोड़ सकते हैं। इसका मैं खुला हुआ ओपन भी दिखाता हूँ आपको और लाइन पे आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे इन्वर्टर बनते हैं। देखिए ये जो इन्वर्टर है ये ट्रांसफार्मरलेस टेक्नोलॉजी है। तो ये हमारा 7G मॉडल है जो अभी हम पहले तैयार कर रहे थे, ये 8G मॉडल के इन्वर्टर है जो हम बना रहे हैं, इन्नो 8G। तो इन्नो 8G जो मॉडल है इसके अंदर जो कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं ये कार्ड होता है। इस इन्वर्टर में ना कोई ट्रांसफार्मर है ना इसमें कहीं कोई अलग से कुछ लगना है, ये कार्ड कंप्लीट, ये कार्ड जो है ये कार्ड ही इसका है। और ये कार्ड भी कंपोनेंट लेवल पे हम अपने यहाँ रिपेयर कर सकते हैं, कंपोनेंट लेवल पे। मान लो कोई भी पार्ट इसका ख़राब हो गया है और वारंटी से बाहर सिस्टम है तो हम कंपोनेंट लेवल पे पूरे कार्ड को इसको अपने यहाँ रिपेयर कर सकते हैं, अपने यहाँ दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो इसमें मॉडल हम बना रहे हैं, अभी मैं मीटिंग में आप लोगों से बात कर रहा था भाई कि हमारा जो वाटर पंप के पैनल होते हैं 9 पैनल की जो स्ट्रिंग लगी हुई होती है उसको हम, ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है हमारा,
और इसमें वाईफाई भी दिया है, हम मोबाइल से भी इसको कनेक्ट करके डाटा पूरा ले सकते हैं। जैसे आप रेवाड़ी से हैं और रेवाड़ी में आपका सिस्टम चल रहा है और आप यहाँ बैठे भी डाटा देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर वाईफाई वहाँ लगा हुआ है, या वहाँ से इसका बच्चे कितना लोड चला रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या चीज़ चल रही है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन भी। तो ये आपके उन पैनल की पूरी स्ट्रिंग को झेल लेगा और दो बैटरी पे ये पूरा आपका लोड चलाता रहेगा, दो बैटरी पे इन्वर्टर चल जाएगा कम से कम दो बैटरी के साथ, और कोई इंडक्टिव लोड नहीं है तो बिना बैटरी के भी ये ऑन हो जाता है, मतलब कुछ कम लोड चला देता है, लेकिन ज़्यादा लोड है तो बैटरी जरूर लगाएं। तो ये इन्वर्टर एक ऐसा हो गया कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम थी, इसमें 5 किलोवाट 3 किलोवाट दो इन्वर्टर हमने बनाए हैं, तो ये हमेशा ये इन्वर्टर की इतनी डिमांड रहती है कि हमेशा शॉर्ट में रहते हैं, चूँकि इनकी डिमांड ज़्यादा है और हम बना कम पाते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है जो हम लोगों के लिए दे रहे हैं। उसके साथ में ये 1 KVA का इन्वर्टर है हमारा, 1 KVA का है, मतलब 1 किलो वाट नहीं है, 1 KVA यानी 800 वाट का ये लोड ले सकता है। और ये नॉर्मल जो एक आम उपभोक्ता जैसे होता है घरेलू लोड है, उसका भी टीवी है, पंखे हैं, लाइट है, असाधारण काम है, वो चाह रहा मैं सोलर पे आऊँ, तो उसने एक इन्वर्टर ले लिया, एक बैटरी ले ली, उसके साथ में अभी बजट कम है तो 4 पैनल मतलब 210 वाट वाले पैनल भी लगा सकता है, 12 वोल्ट के पैनल भी लगा सकता है और 24 वोल्ट के पैनल भी। अभी आपका क्वेश्चन था जी थोड़ा सा कॉस्टली है ये और कंपनियों का थोड़ा सा कम है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, तो हमारा जो है इस पे आप 24 वोल्ट का पैनल भी लगा सकते हैं, ये MPPT मॉडल है। और वो जो आप अदर कंपनियों की बात कर रहे हैं तो PWM मॉडल है, उन पर 12 वोल्ट अगर एक बैटरी का इन्वर्टर तो 12 वोल्ट का ही पैनल लगेगा, या पैनल की जो क्षमता है वो भी 600 वाट 700 वाट तक पैनल लगा सकते हैं, या आप 1200 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं और पूरा 700-750 वाट तक का 800 वाट तक का लोड ले सकते हैं, कंटिन्यू में भी 600 वाट 650 वाट का लोड रेगुलर चला सकते हैं। तो इस इन्वर्टर की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, टेक्नोलॉजी हमने अच्छी दी है, ये साधारण उपभोक्ता के लिए है। अभी मैं आपको एक इन्वर्टर और स्पेशल दिखाऊँ, ये आपका इन्वर्टर है 5.8, और देखिए अभी तक आपने देखे होंगे स्क्रीन टच मोबाइल और ये स्क्रीन टच आपका इन्वर्टर, इसमें कोई बटन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये क्या है कि इसमें हम यहीं स्क्रीन पे सारे बटन आ जाते हैं और यहीं से इसके सेटिंग चालू ऑन ऑफ यहीं से कर सकते हैं। इसके बाद इसमें RGB लाइट है यहाँ पे, और ये इन्वर्टर 5.8 किलोवाट का है, तो पूरा 5-5.5 किलोवाट का लोड रख सकते हैं, 1 का पावर फैक्टर है, जैसे मैंने बताया वो KVA की बात अलग है, किलोवाट का इन्वर्टर है। और ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी में आप देख रहे हैं ये छोटा इन्वर्टर है, दिन के टाइम में 1X के आप AC चला रहे हैं, जो अभी ऑफिस में हम देख रहे थे उस प्रकार के 2 से 3 AC से चला सकते हैं, अगर घर का अन्य कोई लोड नहीं है, ऑफिस का काम है दिन के टाइम में, क्योंकि दिन में सोलर ज़्यादा रहती है, रात के टाइम में मैंने बताया बैटरी के ऊपर है, तो उस चीज़ को आप जरूर क्लियर कर लें, रात में बैटरी में जितना जान होगी उतना होगा, क्योंकि कस्टमर कहेगा जी रात में तो चला ही नहीं रहा, रात में तो बैटरी के ऊपर लोड है ना सर, तो बैटरी आपकी 5 किलोवाट की है, 5 KVA की बैटरी है, 4500 वाट की है, तो अब उसका अगर उसके 3 AC चल रहे हैं, 3 किलोवाट लोड चल रहा है तो 1.5 घंटे चलेगा, तो उसमें आप कस्टमर कहाँ संतुष्ट होगा, वो तो कहेगा जी मेरे पैसे लग गए 4 लाख 5 लाख रुपए और मैं परेशान हूँ। तो मोस्टली सोलर के अंदर जिन लोगों को दिक्कतें आती है, जो लोग परेशान मानते हैं अपने आप को या कहते हैं जी मैं परेशान हूँ, उसका रीज़न क्या होता है हम कैलकुलेशन नहीं करते। मैं उपभोक्ताओं से भी अनुरोध करूँगा और जो हमारे डीलर हैं डीलर बंधुओं से भी कहूँगा भाई कस्टमर के साथ कभी भी कोई चीज़ बिल्कुल स्पष्ट करके बता दी जाए, जिससे उसका बजट होगा तो वो लेगा, अपना पैसा लगाएगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा, कम से कम उसका पैसा लग जाए फिर उसको परेशानी हो तो वो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो पहले आप कैलकुलेशन देखें, उसको बिल्कुल स्पष्ट करके बता दें कि इतने टाइम में चलेगा, अगर वो संतुष्ट है तो उसको चीज़ें दें, अन्यथा क्या कि उसका बजट तो उतना ही था बेचारे ने, वो पैसा लगा दिया और वो परेशान हो रहा है, तो वो गलत चीज़ें हैं। और हमेशा सोलर में जब हम चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करते हैं, गलत तरीका से यूज करते हैं, जब फेलियर आते हैं। तो ये आपका इन्वर्टर हो गया, ये हमारा देखिए हाइब्रिड इन्वर्टर है और ये 6 KVA का हाइब्रिड इन्वर्टर है। इस हाइब्रिड इन्वर्टर की स्पेशल पावर्स ये है कि इसको आप सीरीज में बना सकते, पैरेलल जोड़ सकते हैं, जैसे एक इन्वर्टर भी ले लिया, जैसे लोड बढ़ा उसका 12 किलोवाट हो गया, 10 किलोवाट हो गया, एक और 6 किलोवाट ले लिया, दो इन्वर्टर जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए, इस प्रकार पैरेलल जोड़ के करंट आपका, मतलब फिर आप 18 किलोवाट की मोटर भी है कोई, 18 किलोवाट का कोई लोड भी उसे भी चला सकते हैं। इस प्रकार इसको 60 किलोवाट का बना लेंगे। दूसरा ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। अब हाइब्रिड क्या होता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, तो हाइब्रिड जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो वहाँ किया जाता है जहाँ एक आइटम के अंदर दो चीज़ें हों, जैसे हाइब्रिड कार कहते हैं तो मतलब इलेक्ट्रिक भी है और पेट्रोल भी है तो हाइब्रिड है। तो इसी प्रकार ये क्या है, ये इन्वर्टर 2-in-1 है, इससे आप नॉर्मल इन्वर्टर की तरह अपना लोड चला सकते हैं घर का, साधारण इन्वर्टर की तरह जैसे बैटरी इन्वर्टर से चलाते हैं, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की तरह। उसके साथ साथ आपको बिजली बेचनी है तो आप 2-way meter लगा के इससे बिजली बेच भी सकते हैं। तो ये आपका हो गया हाइब्रिड इन्वर्टर। और मैंने बताया फीचर्स इसके साथ में कि आप इसको पैरेलल जोड़ के अपना 60 किलोवाट तक बना सकते हैं। और तीसरा इसका फायदा क्या है कि आपको 3-phase भी बना सकते हैं, मतलब आप जैसे 3-phase लोड है, सिंगल फेज का एक इन्वर्टर, फिर एक सिंगल फेज का एक इन्वर्टर, एक सिंगल एक फेज का इन्वर्टर, इनको जोड़ के 3-phase का इन्वर्टर की तरह 18 किलोवाट काम कर देता है। पर उसमें थोड़ा सा टेक्निकल हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, आप लगाएंगे पर ये कर सकते हैं, मतलब इस इन्वर्टर में स्पेशल पावर्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा R&D दिखा दूँ,
ये हमारा लोड टेस्टिंग मशीन है जो इन्वर्टर की कैपेसिटी को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। तो लोड बैंक है ये 3 फेज में 20 किलोवाट का। जैसे हमें इन्वर्टर को टेस्ट करना होता है तो उसमें लोड के लिए हम बहुत सारा लोड कहाँ चलाए भाई, जितने सारे टीवी पंखे, तो क्या कि इसमें अलग अलग स्ट्रिंग हमारी बनी हुई है और जो भी हमें लोड चलाना है जितना उस हिसाब से इन्वर्टर पर लोड डाल के 3 फेज है सिंगल फेज है इससे हम टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर और एक बार आते हैं हम लैब में और ये हमारी लैब है और देखिए हमारे रवि जी हैं हमारे इंजीनियर हैं R&D के और अभी कार्ड रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो हम मैंने बताया जैसे हम कार्ड का टोटल कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये सब हम अपने ही तैयार कराते हैं, तो मतलब हमारे यहीं पे सारे कार्ड रिपेयर हो सकते हैं सारे जितने कंपोनेंट हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम बाहर से लाएंगे, जो पार्ट्स है वो सब आसानी से अवेलेबल हैं और इंडिया लेवल पे ही आपको सारी चीज़ें रिपेयर हो जाएंगी आसानी से। चाहे इनोवेट जी हमारे जितने भी मॉडल्स हैं सबकी रिपेयरिंग आउट ऑफ वारंटी होने के बाद भी आसानी से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको सिस्टम फेंकना ही पड़ेगा, जब तो ठीक ही नहीं होगा, वो शिकायत आपको नहीं आने वाली है। ये हमारा 6 kVA का अभी संजय जी हैं हमारे और इन्होंने अभी 6 kVA की सेटिंग कर रहे हैं। एक बार संजय जी दरअसल हमारे साथी हैं, इनको थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। ये इन्वर्टर है, इसमें वोल्ट और एम्पियर कहाँ कहाँ आ रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज में इनको समझाओ थोड़ा सा। किसी भी इन्वर्टर को सबसे पहले हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इन्वर्टर में 2-3 पार्ट जो होते हैं उसको पार्ट बाई पार्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बैटरी वोल्टेज देख करके UPS ऑन करेंगे, तो ये फर्स्ट काम होगा कि DC को AC में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद अगला स्टेज देखेंगे चार्जिंग जब होगा तो चार्जिंग का 2 स्टेज होता है, एक जो है आप ग्रिड से चार्ज करें या सोलर से चार्ज करें। तो बारी बारी से सबको देख करके सेट करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज पहले जैसे DC पावर दी, एक्चुअली मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा दूँ चूँकि ये टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ, मतलब स्क्रीन टच जो मैं बता रहा था बिल्कुल स्क्रीन टच है और यहाँ स्क्रीन पर ही सारी चीज़ें हैं। पैरामीटर यहीं से सेट कर सकते हैं, जैसे बैटरी के वोल्ट है, ये बिजली के वोल्ट दिखा रहा है, आउटपुट लोड सारी चीज़ें ये डिस्प्ले पर दिखाता है। इसको हम अपने एनी डेस्क पर लेके और इसकी सिस्टम की सेटिंग को हम यहाँ से हमारे संजय जी इसको चेंज भी कर सकते हैं। आपके चाहे रेवाड़ी में लग रहा है, चाहे गुड़गांव में लग रहा है, चाहे जाके उत्तराखंड में लग रहा है, यहीं से इसकी सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे आप देखते होंगे ना, व्हाट्सएप वाले अपनी सेटिंग चेंज करा देते हैं, मतलब इतनी इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, चार्जिंग वोल्टेज होता है, चार्जिंग करंट, वो यहीं से हम सेट कर सकते हैं। मतलब रिपेयरिंग के लिए आपको ये नहीं है कि बहुत जल्दी आप रिपेयरिंग के लिए आपको इन्वर्टर यहीं लेके आना पड़ेगा, हम आपको ऑनलाइन लेके और वहीं से सेटिंग आपको सिस्टम लेके और यहाँ एनी डेस्क पे आपको देना है और हम वहीं से इसकी पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। मतलब ये स्पेशल टेक्नोलॉजी आपको इंटरनेशनल लेवल की आपको चीज़ें हैं जो आसानी से इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ें हम आप करा रहे हैं। वाईफाई वाले हाँ वाईफाई वाले सिस्टम हाँ, ज़्यादातर मॉडल्स हमारे वाईफाई में है। इसमें से सोलर का जो कनेक्शन होगा वो सोलर के कनेक्टर, ये कनेक्शन बैटरी का होगा, ये सोलर का कनेक्शन, PV पॉजिटिव में सोलर का पॉजिटिव जाएगा, PV नेगेटिव में सोलर का नेगेटिव जाएगा। यहाँ पे ये नीचे वाला है ये ग्रिड इनपुट का AC इनपुट भी लिखा है, यहाँ AC इसमें फेज और इसमें न्यूट्रल लिखा है, L जो है वो फेज है, N है न्यूट्रल है, ऐसे ही आउटपुट में है। और ये बगल में ये अर्थिंग का टर्मिनल है, यहाँ पर नीचे में ये साइड वाला अर्थिंग है। आउटपुट ये इसमें 2 आउटपुट का टर्मिनल दिया गया है, एक साथ चाहे तो दोनों यूज कर सकते हैं, सिंगल इस टर्मिनल से यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम चाहें तो मतलब 2 आउटपुट ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, L1 है, दोनों आउटपुट ले सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको लिथियम के बारे में भी दिखा देता हूँ। ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है पहले से जिस पर हम काम कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर वाली 2.5 kVA जो मैं बता रहा था, जो हमने निकाला था 2.5 kVA इस साइज में, हमारा 2.5 kVA मतलब बिल्कुल हाथी वाले लुक में, लेकिन पावर भी हाथी जैसी। ये वो था जो जब 2 बैटरी पर हमें बता रहा था शुरू में आपको कि हमने समरसेबल चलवाना शुरू किया था पहले, ये इन्वर्टर वो 2.5 kVA लिया था 3 साल पहले। हाँ तो ये मतलब एक मतलब हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट में से एक है और आज भी वेटिंग में है, ये आज भी इसकी इतनी डिमांड है कि वेटिंग में रहता है। थोड़ा सा AC के बारे में आपको दिखा दूँ, ये 15 kW का इन्वर्टर है हमारा जिसके बारे में बता रहा था, कहीं बड़ा सिस्टम है तो बैक साइड अभी उल्टा हो रहा है, सीधा कर देंगे इसको। ये AC की हमारी कूलिंग कॉइल है जो अंदर होती है, इंडोर के अंदर कूलिंग कॉइल। AC में 2 मॉडल आप देख रहे हैं डिस्प्ले में, ये हमारा हॉट एंड कूल मॉडल है जो गर्मियों में तो आपको ठंडी हवा देगा, सर्दियों में आपको गर्म हवा देगा, ये हॉट एंड कूल मॉडल है, ये इसका आउटडोर है। और ये है हमारा नॉर्मल 2X मॉडल, अभी जब हम ऑफिस में बैठे थे तो वो वाला अलग मॉडल था, अभी यहाँ ऑफिस में भी अब हमने ये मॉडल कर दिया, ये AI वाला मॉडल है। वो मतलब जो मॉडल था पहला वाला मोबाइल से वाईफाई से कनेक्ट नहीं था, जिसमें इस तरीके की लाइट थी, ये जो मॉडल है ये वाईफाई से कनेक्ट है। ये मोबाइल से आप अपने अभी आप मतलब निकलने हैं घर पहुंचने वाले हैं 10-15 मिनट बाद, तो कमांड दे सकते हैं, 15 मिनट आप पहुंचेंगे कमरा आपको कूल मिलेगा, आप जो भी अपनी सेटिंग है इसकी मोबाइल पे देख सकते हैं। मतलब रिमोट नहीं है तो आप मोबाइल से इसको चला सकते हैं, अपने मोबाइल पे इसका सॉफ्टवेयर हम आपको दे देंगे, आप चला के वाईफाई से इसको मोबाइल से कनेक्ट कर लेंगे। मतलब ये नया मॉडल हमने किया है, इसमें कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी और बढ़ा दी गई है पहले की अपेक्षा, और अब मॉडल है ये हमारा। तो इसमें ये 2X है, इसमें 1X है, 2 मॉडल है।
कॉपर का हम प्रयोग करते हैं। कंप्रेसर जो है मैंने बताया आपको, 7 मोड वाला हमारा कंप्रेसर है, तो स्पेशल चीज़ों का हमने इसी के अंदर प्रयोग किया गया है। दूसरा, हमने इसको इतना साधारण इसलिए बना दिया गया है कि कोई भी जो एसी वाला है, सोलर एसी नाम में आता है तो लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाता है कि कैसे लगेगा, कैसे इंस्टॉल होगा, तो कोई भी जो साधारण एसी जो अदर किसी भी कंपनी के इंस्टॉलर हैं वो इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकता है। आउटडोर इंडोर पाइप वो सब चीज़ें वही हैं बिल्कुल, जिस प्रकार से वो एसी नॉर्मल लगता है। तो इसमें मतलब एक उपभोक्ता के लिए या किसी भी इंस्टॉलर के लिए अलग से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है, बिल्कुल साधारण तरीका से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और बिल्कुल मजा ले सकते हैं, बिल्कुल कम कंजेशन पर अपना एसी चला सकते हैं। कॉपर पाइप कितना आता है इसके अंदर? इसके अंदर 10 फीट का पाइप कंपनी देती है आउटडोर इंडोर से कनेक्टिव वाला। एक्स्ट्रा लगेगा तो उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा, वो तो कोई भी कंपनी 10 देती है, स्टैंडर्ड साइज है मार्केट के अंदर। किसी भी कंपनी का आप एसी लेंगे 10 फुट पाइप मिलता है, और उससे उससे एक्स्ट्रा अगर लेते हैं तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। तो वो आपका जो लगाने वाले होते हैं ना वो अपना आप जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं पाइप को, वो पैसे ले लेंगे आप कर देंगे। कूलिंग वो पार्ट्स की मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा, जो भी पार्ट्स आप चाहेंगे, चाहे इन्वर्टर है, चाहे बैटरी है, चाहे एसी है, सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा पहले से पार्ट चाहिए, मतलब इसका कूलिंग कॉइल चाहिए, वैसे जरूर कभी ख़राब नहीं होती आसानी से, या आपको मोटर चाहिए, या आपको बोले कि मुझे तो कोई भी पार्ट्स, हाँ पूरा प्राइस लिस्ट है पूरा, आप चाहते हैं जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे ये चाहते हैं कि हमें पहले से पार्ट्स मिल जाए, या पीसीबी हम एक रख लें अपने पास पहले से एक्स्ट्रा, तो हमें एक्स्ट्रा उसका आपको पे करना पड़ेगा, हम दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले से भी कोई एडवांस लोग लेना चाहते हैं, बाकी तो सर्विस में हम लोग बैठे हुए हैं। बारे में दिखा दूँ, मोस्टली तो आपके क्वेश्चन क्लियर हो ही गए हैं। और लिथियम बैटरी के बारे में और मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। आइए, आ गए सारे लोग ये, अब आ गए हम लिथियम की यूनिट में। तो पहले आपको शुरुआत से दिखाएंगे कैसे कैसे लिथियम बैटरी बनती है। ये देख रहे हैं, ये स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन है। स्पोर्ट वेल्डिंग मतलब आप इन पे टाँका मारने के लिए जो वेल्डिंग मशीन यूज होती है वो मशीन है ये, यहाँ लगा के ऑटोमेटिक इसमें यहाँ से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, उसके बाद में एयर प्रेशर से चलती है मशीन है। और ये जो टाँका मारेगी कहीं भी तो ये काला नहीं पड़ने वाला है, जैसे वेल्डिंग होता है ना, वेल्डिंग मशीन कह सकते हैं आप, पर चूंकि ये हमने इम्पोर्टेड वेल्डिंग मशीन है, इनका हमारा टाँका कभी यहाँ से काला नहीं पड़ेगा, ये विशेषता है इसकी। और इसको क्या है कि ये हमें जो छोटे पैक बनाते हैं, जैसे ईवी की बैटरी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, साइकिल्स हैं, उनके लिए बैटरी बनाते हैं, तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी जो हम लिथियम बैटरी बनाते हैं सोलर के लिए, ये ई रिक्शा बैटरी हम बना रहे हैं, ट्री या ई रिक्शा बोलते हैं, कहीं कुछ और भी बोलते होंगे, सारथी वगैरह जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होते हैं बाजार में, उनके लिए बन रही है बैटरी। तो 4 बैटरी की जगह ये 1 बैटरी लगा लेंगे और 5-6 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। एक बार चार्ज होने में 100 किलोमीटर का लगभग माइलेज आएगा, कम से कम 100 से 125 किलोमीटर, और एक बार चार्ज होकर आप पूरे दिन आप रिक्शा चलाते रहोगे। तो रिक्शा वालों की बड़ी समस्या, 6 महीने में उनकी बैटरी ख़राब हो जाए तो उसका सोल्यूशन, और दिल्ली में तो ये कर दिया कि ये लेड एसिड आप लगा ही नहीं सकते, नियम है कि आप लेड एसिड बैटरी यूज नहीं कर सकते पॉल्यूशन की वजह से, और लिथियम बैटरी ही लगानी पड़ेगी, तो सरकार का कुछ मानक है। ये इसमें सेल प्रयोग हो रहा है, ये जो पैक बन रहे हैं आप देख रहे हैं, जैसे हमने 8 सेल एक जगह लगा रखे हैं, तो अलग अलग पैक बनाते हैं। 8 सेल का मतलब हो गया कि आपकी 25.6 वोल्ट की बैटरी बन रही है, ये 3.2 वोल्ट का एक सेल है। अभी जहाँ बना रहे हैं हम रिक्शा बैटरी तो उसमें 15 सेल लगे हुए हैं, और जैसे 4 सेल लगे हुए हैं तो ये बैटरी बना रहे हैं 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट मतलब 1 बैटरी के इन्वर्टर के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा टोटल। ये पैक बन रहे हैं 1 बैटरी के इन्वर्टर के लिए पैक बन रहे हैं, ये कुछ पैक तैयार रखे हैं आपको दिख रहे हैं, ये तो रिक्शा बैटरी है तैयार। तो रिक्शा बैटरी हमारी इंडिया के साथ साथ नेपाल है और श्रीलंका है, कुछ अलग कंट्रियों में भी हम माल दे रहे हैं। यह भी जो ऑर्डर तैयार हो रहा है नेपाल के लिए हो रहा है, रिक्शा बैटरी का जो ऑर्डर है नेपाल के लिए जा रहा है। तो ये क्या है कि ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है 1 बैटरी के इन्वर्टर के लिए। अभी आप देख रहे थे नीचे जो 1 किलोवाट का मैंने इन्वर्टर दिखाया था, तो उसमें आप लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं, पानी वाली भी, और ये भी लगा सकते हैं जो आप कह रहे थे भाई साहब, क्या वो आपका ये इतने का आपने दिखाई थी मुझे कोटेशन, और दूसरी कंपनी का इतने का, उसमें लिथियम बैटरी नहीं लगा सकते, सेटिंग चेंज नहीं कर सकते, हमारे इन्वर्टर की लिथियम भी लगा सकते हैं उस इन्वर्टर पे, और लेड एसिड भी लगा सकते हैं। तो वो उसमें ये लेड एसिड में ये बैटरी लगी, लिथियम में ये लगेगी छोटी वाली बैटरी। अब क्या होता है शुरू में, मैं आपको शुरुआत से दिखा दूं, इधर शुरुआत से मैं आपको दिखाऊं, ये सेल आप देख रहे हैं,
ये जो सेल हैं ये बाहर से आते हैं, ये अभी इंडिया में नहीं बनते, मतलब इन सेलों को हम नहीं बनाते, ये कोई भी नहीं बनाता अभी, ये जर्मनी से आ रहे हैं, कुछ लोग चाइना से भी ला रहे हैं, लेकिन हम लोग जर्मनी से लाते हैं। तो ये सेल आता है बाहर से पूरा कंटेनर। इस सेल को आने के बाद में फिर हम यहाँ इसको हम इस मशीन पर, आप ये देख रहे हैं ये मशीन है दोनों कंप्यूटर से, इसमें इस सेल के IR बोल्ट सारी चीज़ें इक्वल की जा रही हैं, इनको बैलेंस किया जा रहा है। और यहाँ के बाद में हम पे जिस प्रकार का ऑर्डर है, मान लो हमें 12 बोल्ट बनानी है, 24 बोल्ट बनानी है, 48 बोल्ट बनानी, जो भी ऑर्डर है कंपनी में उसमें कंपनी काम करेगी। टेक्नोलॉजी हमें इंजीनियर है उसी हिसाब से बैटरी बनाएंगे, जो उनको लिस्ट दे दी जाएगी भाई ये बनाना है, तो वो बनके तैयार हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि इसमें मोस्टली ज़्यादा मशीनों का प्रयोग नहीं होता, पर ये मशीन है, एक दो मशीन और है जो उनका प्रयोग करते हैं हम इस वाली बैटरी में। तो ये मोस्टली बैटरी जो है कि चार्ज करें, क्या है लिथियम के अंदर अगर इसकी इक्वल आपने नहीं की, मतलब आपने बैटरी बनाई और सेल अनबैलेंस है, अनबैलेंस मतलब कि एक का 3.2 वोल्ट है, एक का 3.1 वोल्ट है, एक का 3.3 वोल्ट है, और यह माइनर में थोड़ा सा अंतर है, माइनर में भी, तो वो धीरे 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 बड़ा अंतर होता चला जाएगा। मतलब आज तो ये है, अब क्या होता है कि बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होती है, तो अभी लिथियम सेल है, अब चार सेल हैं, तो दो बाहर वाले सेल पर ज़्यादा जोर पड़ा, अब जैसे लोड डला तो बाहर वाले पे लोड डला पहले, और जब खाना मिला मतलब जो उनको चार्जिंग मिली तो बाहर वालों को मिला, तो बाहर वाले तो ज़्यादा खा गए, अंदर वाले भूखे रह गए, तो धीरे धीरे वो अनबैलेंस होते चले जाते हैं, धीरे धीरे वो अनबैलेंसिंग इतनी बड़ी हो चली जाती है कि काम वो कम करने लगती है बैटरी। भाई जब अनबैलेंसिंग होगी, मतलब एक चैन हम चार लोगों की और तुम दो लोग कमजोर हो तो ज़्यादा जान तो लगा ही नहीं पाएंगे हम, तो उसके लिए क्या है बिल्कुल प्रॉपर बैलेंसिंग और एक BMS का प्रयोग किया जाता है बैटरी में। तो BMS का मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। वो बैटरी मैनेजमेंट का उसका क्या काम है कि वो घर का एक ऐसा बड़ा बूढ़ा, ऐसा मान लो कहीं से चार रसगुल्ले आए तो चारों बेटों को एक एक मिलेगा, ऐसा ना एक खाजा चारों को, समझे ना, जैसे घर में, तो उनका एक मतलब एक तरीका का दिमाग हो गया, और भी काम भी चारों बराबर करोगे, ऐसा नहीं है कि यही काम करेगा कुशवाजी ही काम करेंगे, जब खा चारों बराबर रहे तो काम भी चारों बराबर करो। मतलब कहने का मतलब मेरा ये आसान शब्दों में ये हो गया कि बैटरी को पूरे तरीका सब सेल से बराबर लोड लिया जाएगा, बराबर खाना दिया जाएगा। तो आम शब्दों में आप समझ जाओगे चीज़ों को और टेक्नोलॉजी को, मैं इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल साधारण तरीके से चीज़ों को समझें। तो ये बैलेंसिंग का बहुत बड़ा खेल है। उसके बाद में BMS का हम प्रयोग करते हैं, ये आप देख रहे हैं ये स्पेशल BMS है, इसका काम भी इतना ही है कि वो पापा वाला काम है, बराबर खाना देना, बराबर खाना लेना है, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए बैटरी में, कहीं कोई आग ना लग जाए, कहीं स्पार्क ना हो जाए, सारे इसमें प्रोटेक्शन दिए गए हैं सब चीज़ों को रोकने के लिए। ये काम करती है कितनी चार्ज है कितनी डिस्चार्ज है वो बाहर से ही बताती रहेगी। प्रोटेक्शन मतलब एक तरीका का इसका प्रोटेक्ट, मान लो इसको खाना देना, इसको BMS बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन बॉक्स तो अलग पार्ट है, वो तो इन्वर्टर का पार्ट था नीचे बताया था, ये बैटरी का पार्ट पर हम काम कर रहे हैं। मतलब एक तरीका का BMS है इसका, BMS के फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इंग्लिश में एक बार बता दूँ एक शब्द में तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन बिल्कुल आसान शब्दों में बता दूँ तो ये इनका पापा है, ये दिमाग इनका जस्ट तुम्हारे सिर के ऊपर दिमाग है ना, ये कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, ये चीज़ों को बैलेंस होने बिगड़ने नहीं देता। तो बैटरी 15-20 साल की जो हम वारंटी दे रहे हैं तो इसके ऊपर ही दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर का मामला इसका। जैसे हमने अलग अलग बनाने तो अलग अलग कैबिनेट है हमारे पास में, जैसे मैंने बताया भाई 48 वोल्ट हम इसमें बना रहे हैं, 24 वोल्ट इसमें बना रहे हैं, 12 वोल्ट उसमें बना रहे हैं, 12.80 अलग बना रहे हैं, अलग अलग कैबिनेट हमारे पास हैं। उसके बाद में क्या होता है फाइनली जब बैटरी बन के तैयार हो जाती है तो बैटरी इस, ये एजिंग मशीन है, जो ये एजिंग मशीन है ये लैपटॉप से कनेक्टेड है, और ये मशीन हमारी एक घंटे में बैटरी को पूरा डिस्चार्ज भी कर सकती है, उसका पूरा डाटा निकाल के दे देगी कि बैटरी ये 148 है तो पूरे 4800 वाट का लोड ले रही है नहीं ले रही है, क्योंकि ऐसा ना हो भाई फील्ड में जाए वहाँ जाके कम लोड चलाए। तो हम जो बैटरी अगर 100 एम्पियर में बेच रहे हैं तो हमारी बैटरी 103 एम्पियर, 105 एम्पियर, 104 एम्पियर तो निकल सकती है, पर ऐसा नहीं है कि 99 एम्पियर निकले या 98 एम्पियर निकले। मतलब आपसे अगर हम 100 रुपये ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू आपको 102 रुपये, 101 रुपये, 103 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 99 रुपये वैल्यू दें। तो इन एक्सेस की विशेषता है, प्रत्येक बैटरी को टेस्ट करने के बाद में क्वालिटी कंट्रोल से फाइनली टेस्ट के बाद में हम बाहर निकालते हैं। तो ये आपका बैटरी होगी, प्रत्येक बैटरी का डाटा शीट बताइए। नहीं नहीं, अदर कंपनियां क्या करती हैं, एक बैच बनाए, एक बैच में 50 बैटरी बन रही हैं, 2-3 बैटरी कहीं कहीं से उठाई टेस्ट की निकाल दी। हम क्या करते हैं कि प्रत्येक बैटरी को हम टेस्ट करते हैं। एक्चुअली ब्रांड वैल्यू ऐसे नहीं बनती है, बनानी पड़ती है। एक भी उपभोक्ता हमारा अनसेटिस्फाई है तो हमारे लिए फिर बेकार है। तो हमारा उद्देश्य है कि हर आदमी जो हम पर ट्रस्ट करके आ रहा है, हमारे साथ जुड़ रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, उसको उस चीज़ की पूरी वैल्यू मिले, तो हम उस उद्देश्य के साथ काम करते हैं। ये हमारी जो कि बेसिकली लाइफ, हाँ ये देखिए, ये जो बैटरी है इसमें जो सेल हम यूज कर रहे हैं वो 6000 लाइफ साइकिल का है,
हाँ तो एक बार लगने के बाद में 15 साल की कंपनी वारंटी देती है, पहली 3 साल तक फ्री है, फिर 50% में आप जो जैसा पता है वो चीज़ हम लिखित में दे रहे हैं, उसके बाद में भी कभी ख़राब हो जाती है। तो बैटरी की रिसाइकलिंग वैल्यू, रिसेल वैल्यू आपको मिलने वाली है, चूंकि लिथियम के बहुत सारे रिसाइकलिंग प्लांट लग रहे हैं, जिनमें एक प्लांट हम भी लगा रहे हैं जो मैंने शुरू में आपको बताया। तो ये तो हो गया बड़ी बैटरी का, अब आ जाते हैं इसी छोटी बैटरी पे। ये भी 512 उसकी सेल की चैनल है, और इसमें क्या हो रहा है, जैसे वो छोटी बड़ी बैटरी का हो रहा था, ये छोटी वाली सेल का इसी प्रकार से इसको ये इक्वल कर रही है, बैलेंस कर रही है और बिल्कुल बराबर वोल्ट कर रही है। ये मशीन इनका, ये भी इसी प्रकार सेल बाहर से आता है, ये छोटा सेल है 6 AH वाला, इसको हम ईवी की बैटरी, जो स्कूटी की बैटरी बनाते हैं उसके लिए यूज करते हैं। यहाँ से निकलने के बाद में ये सेल सॉर्टिंग मशीन है, इसमें डलेगा, इसमें निकलने के बाद में अलग अलग चैनल में ये आ जाएगा, और यहाँ से हम इनको अपना पैक ले लेंगे अपनी ट्रे में लेके, और जो हमें बैटरी बनानी है जैसे मैंने बताया स्पोर्ट बेल्ट मशीन से, वो टांका मार के BMS लगा के फाइनली इसकी भी बैटरी बन जाएगी। तो ये आपके दो पार्ट्स क्लियर हो गए, लिथियम का मोस्टली मोटा मोटा चीज़ आप समझ गए। अब बैटरी की बात करेंगे, कौन कौन सी बैटरी बना सकते हैं, जो आप बैटरी चाहें वो हम बना सकते हैं। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे लिए बनाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, अभी तक प्रैक्टिकली बात मतलब थ्योरेटिकल बातें कर रहे थे, प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं हमारे लिए कोई भी बैटरी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, चूँकि टेक्नोलॉजी BMS उस चीज़ के लेवल के हमारे पास है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और हमारा विशेष प्रयास रहता है कि हम R&D पे ज़्यादा काम करते हैं। तो R&D लैब है वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, जो हमारे यहाँ टेस्टिंग करते हैं, लेकिन नॉर्मली R&D लैब मैंने आपको दिखा दी है, कुछ स्पेशल लैब्स है हमारी वो हम नहीं दिखा पाएंगे आप लोगों को भी, बाद में धीरे से एक दिन कभी दिखा देंगे। तो हाँ, चूँकि वहाँ पर R&D के कुछ पार्ट्स हमारे चलते रहते हैं, तो अब हम कोई भी बैटरी पूरे इंडिया के अंदर जो लिथियम में संभव है वो हम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के अब रहे हो तो एक बार कर ले क्लियर कहीं। हाँ हाँ, देखिए मार्केट में, हाँ चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोगों को, एक आसान तरीका है, सारे लोग थोड़ा सा आ जाओ, सारे लोग आ जाओ। तो उसका क्या तरीका है आसान, भाई आप लोगों के पास एजिंग मशीन नहीं है, इतनी सारी मशीनरी नहीं है, आप कैसे चेक, मगर क्या है कभी आपने उधार बैटरी दे दी हो तो झूठ बोलेगा, वो बोलेगा जी तुम्हारी बैटरी चल रही, भाई साहब अपनी बैटरी को ले जाओ, मेरी बैटरी काम ही ना कर रही, मुझे तो मेरे पैसे दे जाओ, तुम्हारी बैकअप ही ना दे रही, अब तुम कैसे टेस्ट करोगे। तो उसका टेस्ट करने का तरीका ये है, फुली चार्ज करो, जब बैटरी फुली चार्ज हो जाए, मतलब बैटरी के बोल्ट इन्वर्टर दिखा देता है और SOC भी होती है बैटरी के अंदर, फुली चार्ज बैटरी होगी, बोल्ट चेक कर लो आप, बैटरी के बोल्ट 54 आ रहे हैं, मतलब स्टैंड बाय मोड में, स्टैंड बाय मोड में एक तो चार्जिंग के वक्त तो वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं, आपने तो पॉलिटेक्निक कर रहे हो आप, तो चार्जिंग के वक्त ज़्यादा फ्लाई वोल्टेज बन जाते हैं, जैसे 10 मिनट छोड़ दोगे तो वो वोल्टेज हवा में उड़ जाते हैं फ्लाई और एक्चुअल रह जाते हैं फिर। तो फिर जब स्टैंड बाय मोड में आप देखो बैटरी के कितने वोल्ट है, बैटरी मान लो 54.55 वोल्ट है, यानी बैटरी हमारी फुल चार्ज है, अब उसको लोड पर लगा दो, तो अब लोड में बहुत लंबे टाइम तो आप नहीं बैठ पाओगे, तो कोशिश करो 1 kW 2 kW का कोई लोड चलाओ, हीटर ले लो, नॉर्मली आप पर लोड टेस्टिंग नहीं होगा, वो हीटर ले लो, या 100-100 वाट के बल्ब ले लो, या 500-500 वाट की 2 हेलोजन ले लो, या 3 हेलोजन ले लो, तो उनका आपको लोड बताइए, कस्टमर को बताइए भाई ये चीज़ तो ठीक है, प्रैक्टिकली बात है, कोई बात है अनसेटिस्फाई तो इसमें है ही नहीं, 1500 वाट का आपने लोड चलाया, घड़ी से लगा ली, अब आपने देखा अगर 1500 वाट लोड को 3 घंटे चला गई तो बैटरी ओके, और अगर वो चलाई 1 घंटे या 1/2 घंटे तो बैटरी खराब, सीधा कैलकुलेशन हो गया, अपने साइड पे कर लिया। अब मान लो किसी कारण बस बैटरी ख़राब है तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, हम बैटरी को उठवा देंगे, दूसरी बैटरी दे देंगे, नंबर तो हमारे डीलर के पास होती है बैटरी, तो वहीं से बदल जाएगी, हम बोल देंगे हम तुम्हारी बैटरी भिजवा देंगे, 1% नहीं है डीलर के पास भी, तो हम डिलीवरी से बैटरी उठवा लेते हैं, उसमें 1 से 2 दिन का समय लग जाता है, जैसे ही हमें बैटरी पिकअप होगी ऐसे यहाँ से निकाल देंगे, तो पर उसमें 1-2 दिन का समय लगेगा, अगर डीलर के पास में अवेलेबल है तो तुरंत हैंड टू हैंड बैटरी। तो ये पूरे इंडिया के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है हमारी सर्विस की, कहीं भी कोई नया डीलर भी है मान लो सिक्किम में है और उसका एक बैटरी उसने बेची और अभी उतना बजट नहीं है कि दूसरी बैटरी उसके पास हो, तो हम वहाँ से बैटरी उठवा कर, वो चूँकि हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, आप लोगों का काम सिर्फ बेचना है, बेचने के बाद में जो आफ्टर सेल के बाद सर्विस है वो मेरी जिम्मेदारी है, नेक्सस की जिम्मेदारी है, वहाँ मैं आपके पास है कस्टमर को आप भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, चूँकि करना चाहिए, आप लोगों के ट्रस्ट पर उस आदमी ने मान लिया है, लेकिन किसी कारणवश आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपने काम ही बंद कर दिया है, तो ऐसा नहीं है उस कस्टमर को हम छोड़ देंगे, क्योंकि उस कस्टमर ने हमारे चेहरे पर विश्वास करके आपसे प्रोडक्ट लिया था, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है उस आदमी के लिए मदद करना, क्योंकि उस आदमी ने 4-5 लाख रुपए अपनी मेहनत की कमाई किसी सिस्टम में लगाए और आपने काम बंद कर दिया, तो कल को ऐसा थोड़ी हम उसकी सर्विस नहीं देंगे, सर्विस तो हमें देनी है, प्रोडक्ट तो उसने नेक्सस का लिया ना,
तो वो हम अपने लेवल पे भी हमारी पूरी सर्विस पूरी टीम पूरे देश के अंदर, आप अभी के अभी बोले मुझे कि सर वहाँ असम से ये बैटरी उठवा लो, तो आप दो घंटे में देखोगे मेरा लड़का वहाँ पहुँच के बैटरी उठा चुका होगा, क्योंकि 1200 लोगों की टीम है मेरे साथ डिलीवरी से मैंने टाई अप किया है, जिसका काम यही है कि कम से कम 1200-1500 गाड़ियाँ हैं कि हम अभी दो घंटे में जहाँ अजमा के देखो कभी के वहाँ से पहुँच जाएगा आपका आदमी नहीं पहुँच जाएगा, तो आप चेक कर लोगे कि मेरा आदमी दो घंटे में वहाँ पहुँच गया। तो मतलब इतना बड़ा नेटवर्क के साथ हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, तो आप लोगों के प्यार और विश्वास से, और आज तक कंपनी के ऊपर ना कोई फाइनेंस है ना कोई लोन है, कभी ना लोन नहीं लिया है कंपनी ने, अपने पैसे से आप लोगों के प्यार से कंपनी चल रही है, तो ये सब लोग आप लोगों को विश्वास है तभी तो हम लोग यहाँ हैं, तो आप लोगों का विश्वास हम कभी नहीं तोड़ते। मैंने पहले कहा कि हम बिल्कुल जेन्युइन काम करेंगे, मना कर देंगे, हाथ जोड़ लेंगे भैया नहीं कर पाएंगे आपके साथ काम, लेकिन गलत काम नहीं करना। और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि जिस भी आदमी के साथ काम करें अच्छे से काम करें, किसी कस्टमर के साथ चीट धोखा ना करें, क्योंकि उससे क्या है कि आपके साथ साथ मेरी बदनामी भी होती है, क्योंकि आप मेरे प्रतिनिधि हो। आप चीज़ें आपके क्वेश्चन हो, कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो बेटा बताओ। रोहतक बहुत बड़ी मार्केट है बिजनेस के लिए, बहुत मेहनत करो, बहुत अच्छा है ना, रेवाड़ी भी बहुत अच्छा शहर है, बहुत बिजनेस है ना, सारे शहर अच्छे हैं, मतलब 16,000 की जरूरत है। हाँ ये इंटरनल सेटिंग है एक्चुअली, जैसे 3 साल तक तो बैटरी ही पूरी बदल देंगे, अब रही आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर में बैटरी में फॉल्ट आ गया, मान लो BMS में कोई फॉल्ट है या कहीं कोई छोटा मोटा कोई कनेक्शन डैमेज हो गया, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे देंगे, उसके आपसे पैसे नहीं लेंगे, पैसे वो तब भी हम कर देंगे। अब आप चाहते हैं बैटरी बदल के मुझे सर दूसरी दिलवाइए, रिप्लेसमेंट चाहिए मुझे, तो फिर आपसे 50% पैसे लेंगे, आपसे मतलब कस्टमर से, तो 50% जो उस समय कॉस्ट होगी उसके पैसे लेंगे, बदल देंगे। अच्छा सर, इनकेस अगर जैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है या कस्टमर के घर में भी पड़ा हुआ है, कई बार क्या होता है कि उनके घर पे भी कुछ बच्चे होते हैं या कोई मतलब ऐसी चीज़ें होती है, तो अगर इनकेस अगर उसमें से किसी से आप छेड़छाड़ कर दें तो क्या मतलब बैटरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी, सेटिंग तो इस कंडीशन में कस्टमर का काम करेगा कि वो नहीं, वो एक्चुअली प्रयास करें बच्चे का भाई जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बच्चों को पहुँच से दूर रखा जाए, मैं तो ये निवेदन करूँगा, आप लोग भी यही करें गार्जियन से, भाई देखो बच्चा तो बच्चा है, अब ये 48 वोल्ट है यहाँ, और 48 वोल्ट है तो इसमें करंट भी है, दो तार लगा के आप इस पर लगा दोगे हाथ को जला भी देगा, तो थोड़ा सा तो केयरफुली रहना पड़ेगा, वैसे सेफ है, आप खाना खा लो बैठ लो आग नहीं लगेगी कभी, और फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, तो आप सर मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, नहीं सेटिंग मैं तो ये कहूँगा कस्टमर से आपको चेंज इसे छेड़े ना, हो जाता है तो सेटिंग में अंतर आएगा, बैकअप कम आने लगेगा सिस्टम में, ये फटेगी नहीं, आग लगेगी नहीं, इसमें क्या है कि अलार्म है यहाँ, ये बंद हो जाएगी, बैकअप कम देने लगेगी, कस्टमर की शिकायत आएगी सर आपकी बैटरी बैकअप कम दे रही है, एक बार इंजीनियर हमारा विजिट करेगा, मतलब टेलीफोनिक देख लेगा, उसके बाद में है तो नॉर्मली विजिट करेगा, मतलब आप फाड़ नहीं सकते आग नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि वो पूरे प्रोटेक्शन दिए हैं घर के हिसाब से, फैमिली के लिए हम दे रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है नैतिक कि उसके बच्चे के उसके परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो, एक बार सिस्टम बैकअप कम दे दे कोई बड़ी बात नहीं, बंद हो जाए तो भी बड़ी बात नहीं, पर अगर उसके बच्चे के उसके परिवार के साथ कोई कैजुअलिटी हो गई तो वो सबसे बड़ा दुख है, आदमी से बड़ा कोई चीज़ें होती नहीं, आदमी की सुख सुविधा के लिए तो हम बना रहे हैं, तो हम बहुत ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होगा, मतलब इसमें हमने इतना प्रोटेक्शन दिया है कि मतलब गलत नहीं होगा, बैकअप कम आ जाएगा, सेटिंग चेंज हो जाएंगे तो बैकअप थोड़ा सा कम हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा ओपन रूम है, थोड़ा सा ज़्यादा कंजेक्शन ले रहा होगा, हीट भी है पर फिर भी आप टेम्परेचर देख रहे होंगे, मतलब मैं कूलिंग बता रहा हूँ भाई, आप देखिए देख बिल्कुल ओपन है, इसके ऊपर छत है, पैनल लगा हुआ है, अब आप देख रहे हैं ये है एसी चल रहा है, और कूलिंग और एयर फ्लो भी आप थोड़ा सा चेक करें, थोड़ा सा चीज़ों को जब आप देख रहे हैं तो थोड़ी चीज़ों को आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा चीज़ों से, भाई आप देखोगे नहीं तो आपको चीज़ों लगेंगी कि भाई कुछ है एसी के अंदर या दम नहीं है, ये पुराना मॉडल है जबकि हमारा, हाँ अब नया तो इससे और दमदार है, वो तो AI वाला है, ये साधारण वाले पहले ही लगे हुए हैं ना, तो ये 2-3 साल पुराने AC है सारे, CFE क्लीन फिल्टर मांग रहा है, धूल ढक्कड़ है ना बाहर, अभी जैसे बैसाख का समय चल रहा है तो लोग कटाई वटाई कर रहे हैं, तो क्लीन फिल्टर का मतलब CF मतलब क्लीन फिल्टर, अब ये रिमोट से भी क्लीन फिल्टर हो जाएगा या फिल्टर को झाड़ के साफ लगा देंगे तो साफ हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से लिथियम तो आप सब लोग समझ गए हो, पूरा लिथियम की मोटी मोटी बातें आप समझ गए हो सारी चीज़ें, वो AC है विंडो AC, अब इस AC की विशेषताएं है कुछ, ये इसका फ्रंट है, इसके आगे ग्रिल लग जाएगी, ग्रिल उसमें रखी है इसकी, ये फ्रंट ग्रिल है, हाँ ये कहीं जा रहा है, तो ये इसकी फ्रंट ग्रिल लगी है, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, ग्रिल लग जाएगी ऐसे निकाल के, है ना, और यहाँ से इसका आउटपुट, ये जो AC है इसकी विशेषता ये है कि ये AI वाला AC है, इसको जैसे ओपन एरिया में भी कहीं जैसे बरामदा बरामदा होता है लोग कूलर को लगा लेते हैं ना, उस पर से भी लगा देंगे और पीछे से थोड़ा सा गर्म हवा तो निकलता रहेगा क्योंकि AC का काम है, पर ऐसे कूलिंग करना शुरू कर देगा, जबकि नॉर्मल AC ऐसे काम नहीं करते और कंपनियों के आप लोगों को, और ये AC
मैक्सिमम 2000 वाट का लोड लेगा जहाँ ओपन एरिया में लगा देंगे आप, और कहीं रूम में और वैसे लगा देंगे जहाँ कम छोटा एरिया होगा, तो इसके अंदर जो भी सेंसर होते हैं बाकायदा, तो टेम्परेचर को मेंटेन करके 1200 वाट, 1100 वाट, 1000 वाट तक भी आ जाएगा। तो ये एसी हमने, विंडो एसी बहुत डिमांड थी लोगों की, अभी तक बहुत सारी कंपनियों में इन्वर्टर एसी में भी नहीं है विंडो एसी, वो सादा ही है देसी वाला, वो 5 किलोवाट से ऊपर हन वाला, और हमने सोलर में बना दिया ये विंडो एसी। इसका कंजप्शन इन्वर्टर एसी से भी 50% कम है, बिजली से भी आप चलाओगे तो। और इसकी कूलिंग आप देखोगे बहुत ज़बरदस्त कूलिंग, मतलब यहाँ मैं चलाऊंगा तो आप वहाँ तक भी आओगे तो आपको लगेगा ठंडक सी कुछ महसूस होगी। यानी कि जैसे कि कुछ हॉल एरिया होते हैं, हाँ, जैसे कॉलेज का हॉल है, कैंपस है, या कोई मीटिंग चल रही है ओपनली, तो कूलर लगाने पड़ते हैं बड़े बड़े, तो ऐसे लगा सकते हो आप इससे। तो उसकी जगह पे हमने अगर ये विंडोज एडवाइज कर दिया, हाँ, आप एक विंडोज लगा लो, हाँ, लगा लो तो कूल, मतलब ऐसा देखिए मैं नहीं कहता एक में बिल्कुल चिल्ड तो नहीं बनेगा, पर टेम्परेचर ऐसा हो जाएगा मेंटेन हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, जैसे बड़ा मैरिज हॉल का, उसका बड़ा 50x50 का हॉल है, अब दो लगा दो इसमें दो लगा दो तुम, तो ऐसा हो जाएगा मेंटेन। अब आपको चाहिए बिल्कुल चिल्ड, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा लगा दो क्वांटिटी, आप ज़्यादा लगा दो, फिर तो 200 स्क्वायर फुट पे एक लगाओ बिल्कुल चिल्ड वाली क्वांटिटी। मिनिमम मान के चले कितने स्क्वायर फीट का, ये 200 स्क्वायर फुट को बड़े आराम से ले, 250 स्क्वायर फुट को कोई दिक्कत नहीं, 250-300 तक भी लोगे तो भी, मतलब कूलिंग ज़्यादा है इसकी, क्योंकि कंप्रेसर वो सारी चीज़ें पास पास में है ना, तो कूलिंग ज़्यादा है। तो यानी कि ये हमारा 200-250 स्क्वायर फीट का, 1200-1300 वाट तक का, और मैक्सिमम 2000 वाट जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ये आराम से चलेगा आपका। तो मस्त एसी है, बहुत अच्छा एसी है विंडो एसी। आप बहुत कम कंजप्शन के लिए, कहीं बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि विंडो एसी है, इसको इंस्टॉलेशन करने की कोई दिक्कत नहीं होती, जहाँ जाओ लगाओ और सीधा कूलर की तरह तार लगा दो, या किसी रूम से उस रूम में ले जाना तो एक स्टैंड बनवा लो, इस रूम से उस रूम में जहाँ भी लगाना तो वहीं आप कर लो एडजस्ट इसको। तो ये भी एक अच्छा मॉडल है, आप ले सकते हैं इस तरीका की चीज़ें भी आप। और पैनल की अगर हम बात करते हैं, ये जो एसी है हमारा, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम अदर कंट्रियों में, तो एक्सपोर्ट के लिए इस प्रकार की पैकिंग में हम आजकल भेज रहे हैं इसको, तो कई बाहर के देशों में जा रहा है, जैसे मैंने बताया हमारा कुछ माल दुबई भी जाता है, और कुछ अफ्रीका के कुछ देश हैं वहाँ भी हम माल भेज रहे हैं, तो इस प्रकार का ये पैनल है हमारा, कौन सा ये बायोफिशियल पैनल है, और 580 वाट का है। बायोफिशियल मतलब दोनों तरफ से, बायोफेशियल मतलब हो जाता है जो दो, हम जिसके कई सारे फेस हो, मतलब बायोफेशियल का जो हिंदी अर्थ है वो है कई सारे फेस वाले, हाँ नहीं नहीं ये देखो नहीं कंपलसरी नहीं है। तो ये क्या है कि दोनों तरफ से काम करने वाला सेल है, तो दोनों तरफ से काम करता है, और ये जो सेल है इसके अंदर ये 23% एफिशिएंट सेल है, और एन टाइप सेल है हमारा, तो इसकी जो बिजली बनाता है ज़्यादा बनाता है, हर मौसम में बिजली बनाता है, और ज़्यादा जनरेशन करता है। रात को भी बनाएगा? नहीं रात को नहीं बनाएगा, रात को लाइट पे ना ना नहीं बनाएगा, दिन में बनाएगा। एक्चुअली मैंने बताया फोटोवोल्टिक किरणों से बनाता है, इसके अंदर कोई मशीन नहीं होती, वही मैं आपको बता रहा था, कोई चीज़ें गलत जानकारी ना हो आपको, क्योंकि अगर आपको जानकारी गलत हो गई तो फिर आप बहुत ज़्यादा कस्टमर को फेल कर दोगे और सिस्टम फेल होकर आएंगे बहुत सारे। ये घटा भी तब भी अच्छा काम करता है, तो अच्छा हर मौसम में काम करता है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, एंड टाइप है, तो ये अच्छा पैनल है, और सबसे ज़्यादा जनरेशन करने वाला पैनल है अभी तक इंडिया का, सबसे ज़्यादा जनरेशन करने वाला पैनल है, और मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बातें कह रहा हूँ, अभी तक इंडिया का सबसे ज़्यादा जनरेशन करने वाला पैनल। हमारे जितने भी लोग हैं या जितनी भी टीम है, हम लोग पहले तो बिल्कुल आसान शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप वीडियो में देख लो चाहे आप प्रैक्टिकली आप समझ रहे होंगे, और कभी भी हम दिखावे की दुनिया में नहीं जीते, मतलब दिखावे के लिए लोगों को मूर्ख बनाएं, बिल्कुल एक्चुअल और जेन्युइन बात करते हैं, ये हमारी विशेषता है और हमारी कंपनी की विशेषता है। और जब सच्चाई के साथ आप काम करोगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे, लोगों वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तक मिलना है,